हेलो व्यूवर्स, आज हम लौंग के तेल का रिव्यू करेंगे जो कि डाबर कंपनी का है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें सबसे पहले हम पैकिंग डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आपको इसके कुछ फ़ायदों के बारे में भी बताएंगे और साथ में जानेंगे कि इसके क्या क्या शरीर पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ सावधानियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके की पैकिंग आपको मार्केट में मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है। इसमें यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लौंग का तेल लिखा हुआ है, दांत दर्द में उपयोगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है मुख्यतः दांत दर्द में हम करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं जिसका हम दूसरी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी दूसरी पैकिंग डिटेल्स अगर हम देखें यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर इसने बता रखा है नेट वॉल्यूम 2 ml, 2 ml की ये पैकिंग आपको मिलेगी 32 रुपये में। MRP जो इसका है 32 रुपये है। इसमें नीचे यहाँ पे कंपनी की एड्रेस, कंपनी डिटेल्स दे रखी है, इसमें कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो कि टोल फ्री है, अगर कोई क्वेरी है तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है ना यहाँ पे दे रखी हैं। पैकिंग के इस साइड में बता रखा है कि दाँत दर्द में अगर आपको दाँत दर्द है तो उसके लिए आप इसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा रुई लेकर उस पर जो है लौंग के तेल की 2 से 3 बूंदें डाल लें और उसको जो है ना जिस भी दांत में दर्द है, जहाँ पे कैविटी लगा हुआ है, उसके अंदर उसको डाल दें रुई को, उससे आपको जो है ना तुरंत ही आराम मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स इस पर दे रखी है। साथ में इन्होंने लिखा हुआ है स्टोर इन कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रखा है, ईच 2 ml कंटेंस क्लो ऑयल, मतलब इसमें पूरा प्योरली जो है ना लौंग का तेल है, इसमें कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला गया है। तो ये जो है इस तरीके की पैकिंग आपने देख ली। चलिए बोतल को देख लेते हैं, कैसी बोतल है इसके अंदर। ये इस तरीके की बोतल आपको मिलेगी इसमें, ये आप देख सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए अभी जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, किस किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से लौंग के तेल का प्रयोग जो है दांत दर्द में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका प्रयोग दूसरी बीमारियों में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इस तेल में एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण यह घाव, खुजली, फंगल इन्फेक्शन व अन्य प्रकार की चोटों के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। लौंग के तेल में थोड़ा नमक डालकर माथे पर मालिश करने से सिर दर्द से राहत मिलती है। गर्म लौंग तेल के में थोड़ा सा तिल का तेल डाल लें और इस मिश्रण को कान में डालने से कान दर्द में आराम मिलता है। इसका प्रयोग कई तरह के पेट विकारों जैसे कि अपचन, पेट फूलना आदि में भी किया जा सकता है, लेकिन इन सब में प्रयोग करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए वो एक बार जान लेते हैं। किसी किसी को इस तेल से एलर्जी होती है, अगर वे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, त्वचा पर जो है चकत्ते हो सकते हैं व खुजली हो सकती है। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुर्दे या लीवर विकार है जिनको, या जिनको दौरे पड़ चुके हैं, उनको भी इस तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स या और कुछ सावधानियाँ थी जो हमने आपको अभी बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।